एपिसोड के स्टार्टिंग में गाहवी जब स्टेज पर जाने वाली थी सब लाइट ऑफ हो जाती है, इसीलिए यूजी और यूई दोनों देखने के लिए जाते हैं। यूजी पिंजन को देखकर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो पूछता है और ये सब बंद करो, तो वो उससे पूछती है तुम गाहवी से क्यों नहीं पूछते हो कि उसने क्या किया है। उसने ब्रोकर को खरीद लिया क्योंकि ज्वेलरी मिलने के बाद गाहवी की मेन मॉडल गायब हो जाए, और तुम कहते हो कि तुम गाहवी से प्यार करते हो, तुम उसे गाहवी को चोट पहुँचाने के लिए एडवांटेज दे रहे हो, क्या यही तुम्हारा सच्चा प्यार है। यूजी उसे कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। गाहवी की जगह में गाहवी जाती है, इसीलिए सब उसे देखकर हैरान थे। गाहवी बहुत गुस्से में थी, तभी वहाँ पर यूई आता है, वो उसे रोकेगी बोलती है तो यूई उसे रोकता है। ये एक बहुत बड़ी इवेंट है और बहुत सारे क्लाइंट आए हैं, तुम उसे रोक नहीं सकती हो। फिर दिखाई जाती है वो लोग ब्रोकर को गाहवी की ज्वेलरी उससे ले जाने के लिए बोले थे, पर गाहवी उसे ले लेती है और वो पहनेगी बोलती है। उनका प्लान फेल हो गया था, इसीलिए वो लोग सेकंड प्लान में काम करेंगे बोलते हैं। यूई उसे रिंग दे रहा था, तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है। यूई उससे कहता है गाहवी को प्रपोज करने के लिए गाहवी की रिंग यूज करेंगे। यूजी स्टेज पर जाता है तो यूई और गाहवी सोचते हैं वो गाहवी की रिंग है। यूजी गाहवी के पास जाकर कहता है तुम मुझे पूछी थी कि गाहवी और तुम दोनों में से मैं किसे चॉइस करूंगा, मेरा आंसर ये है बोलकर सबको रिंग दिखाता है, ये गाहवी की रिंग रहती है। यूई और गाहवी ये देखकर बहुत गुस्से में थे। यूजी उसे प्रपोज करता है तो वो उसे हाँ कर देती है। गाहवी की आंटी भी बहुत गुस्से में थे। गाहवी बहुत गुस्से में थी और वहाँ से जा रही थी। यूई उसे रोकता है और कहता है मैं सोचता था कि यूजी अपने काम और अपने पर्सनल अफेयर को अलग रख सकता है। ये सुनकर वो कहती है तुम ये सब पहले से जानते थे, सब इसके बारे में पहले से जानते थे, पर मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं जानती थी और बहुत गुस्से में थी। इवेंट खत्म होने के बाद सब जा रहे थे। यूजी और गाहवी आते हैं तो उसके आंटी उससे पूछते हैं गाहवी क्या तुम्हारी फैमिली तुम दोनों के बारे में जानते हैं, क्या वो इसके लिए मानेंगे, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है। वो कुछ भी नहीं बोलती है। आंटी गुस्से में थे और वहाँ से चले जाते हैं। दोनों जब बाहर बात कर रहे थे तभी वहाँ पर गाहवी की मम्मी आ जाते हैं और उससे झगड़ने लगते हैं। यूजी गाहवी की तरफ से अच्छे से रिप्लाई देता है हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, हम दोनों के बीच में इंटरफेयर मत कीजिए बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यूजी उसके लिए फायरवर्क अरेंज किया था, ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। यूजी उसे अपना फीलिंग्स कन्फेस करके उसे किस करता है। और इधर गाहवी बहुत ड्रिंक कर रही थी और वो लड़कों के पास जाकर ड्रिंक करने लगती है, तभी वहाँ पर यूई आ जाता है। वो लोग उससे फ्लर्ट कर रहे थे, इसीलिए वो ये सब देखकर उनको मारता है और गाहवी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन वो उठती है और कहाँ पर है सोच रही थी, फिर उसे याद आती है कल रात वो बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी, इसीलिए यूई उसे होटल लेकर आया था। वो पागल जैसे हो रही थी, इसलिए यूई उसे समझाता है तुम यूजी को भूल जाओ, तुम चाहती हो कि तुमको कोई ऐसा मिल जाए जो तुम्हारी वेट कर रहा है। वो ये सुनकर कहती है क्या ये तुम हो जो मेरे लिए वेट कर रहे हो। यूई हाँ बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहूंगा। गाहवी उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो, तो वो उससे किस करता है और दोनों वन नाइट स्पेंड करते हैं। वो ये सब क्या कर दी सोच रही थी, जब वहाँ पर यूई आता है तो वो उससे कहती है कल रात मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी और मुझे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है, हम ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ भी नहीं हुआ है बोलकर वहाँ से चली जाती है। यूई सैड हो जाता है। अगले सीन में गाहवी अपनी आंटी से मिलती है, वो उससे पूछते हैं क्या ये सब पहले से ही चल रहा है। वो हाँ बोलती है, इसीलिए वो उससे ब्रेकअप करने के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देती है। आंटी उससे पूछते हैं क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि वो हमेशा ऐसे ही तुम्हारे साथ में रहेगा। गाहवी हाँ बोलती है और वो उसके साथ में रहना चाहती है। आंटी उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मानती है, इसीलिए वो गुस्से में थे और वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में यूजी गाहवी से मिलता है और उसे सॉरी बोलता है तो गाहवी उसे एक चांस देने के लिए बोलती है। वो गाहवी के साथ में कम्पीट करेगी और तुम उसे कितने दिन से जानते हो पूछती है, तो वो उसे कहता है उसके लिए मेरा फीलिंग्स रेन फॉरेस्ट में स्टार्ट हुआ था। वो उसे सब बताता है तो गाहवी कहती है गाहवी एक रात में ही वो मेरे लेबल के डिजाइनर बन गई और जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मेरा जीजू बन गया। वो ये सब सुनकर तुम कहना क्या चाहती हो पूछता है। गाहवी उसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बताई। गाहवी उसे सब बता देती है। फिर वो जाकर गाहवी से मिलता है और उसे कहता मैं गाहवी से मिला, तुम्हें मुझे कुछ बताना है पूछता है, तो गाहवी उसे सब सच बता देती है मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए और मेरी मम्मी अब ऐसी हो गई है, मैं अपनी मम्मी के लिए डिजाइनर बनना चाहती हूँ। यूजी उसे पूछता है तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई, तो वो उससे कहती है तुम दोनों पहले से ही वर्किंग पार्टनर बन गए थे, मैं तुम्हें कैसे बताती, अगर बता भी देती तो तुम क्या उसके साथ में काम नहीं करते। यूजी
मुझसे पूछता है तुम कंपनी से कम्पीट करने के लिए आई हो और क्या यही रीजन है कि तुम मेरे साथ में हो। गावजे उसे समझाती है मैं शादी के लिए इसलिए हाँ कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में पूरी जिंदगी रहना चाहती हूँ। यूजी उसे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो, तो वो कहती है तुम अगर बिलीव करते हो तो ठीक है लेकिन अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करते हो तो मत करो। यूजी कुछ देर सोचने के बाद मैं बिलीव करता हूँ बोलता है तो वो खुश हो जाती है। यूजी उससे कहता है तुम मुझसे और कुछ भी मत छुपाना। वो उसे अपनी आंटी के बारे में बताने वाली थी तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आकर यूजी को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन मीटिंग में दादी गावजे की ग्रुप की तारीफ करते हैं और गावी की ग्रुप भी अच्छी काम की है और उनकी सेल्स इम्प्रेसिव है बोलते हैं। गावी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, यूजी ये सब सेल करवाया था और उनका प्रॉफिट भी हुआ था और लास्ट ईयर से गोल्ड ग्रुप अच्छे से सेल हुई है बताते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सब जा रहे थे, दादी गावजे को रोकते हैं। यूई और यूजी बात कर रहे थे। यूई कहता है मैं हमारे ग्रुप को और भी सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। यूजी वहाँ से चला जाता है तो वो सोचता है गावजे के लिए यूजी दूसरे को छोड़ सकता है। अगर तुम्हारे पास रुईहुआ को कंट्रोल करने और तुम्हारे स्टेप मॉम को नीचे ले जाने के लिए चांस मिलता है क्या तुम मुझे भी सेक्रीफाइस कर दोगे। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।